सॉरी, चिल्लाना नीचे जंगल में। हमारे साथ है करेजियस लेडी। इजी इजी। तो आज हम जा रहे हैं, अभी नहीं बताऊंगा, ऊपर जाके बताऊंगा। तो अभी हम पहुंच गए डूंगरी। तो यहाँ से अब हमारी डे हाइकिंग शुरू हो जाती है। टोटल हम 6 लोग आए हैं, 3 लड़कियां हैं, 3 लड़के हैं, सारी क्लासमेट हैं। सो फाइनली हम पहुंचने ही वाले हैं। लगभग हमें 10 मिनट लगेगा हार्डली, अगर कंटिन्यूसली चलते रहे। अगर रुक रुक के चलेंगे तो 20 मिनट 30 मिनट भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे वॉक के ऊपर। है पहले मेरा मन नहीं कर रहा था व्लॉग करने का, लेकिन यहाँ के स्नो देख के मन कर गया। तो दिखाते हैं आपको भी बर्फ में कैसा लगता है लामा। ये जो देख रहे हो आप, ये है खानपारी टिब्बा। वी हैव अ गेस्ट परी। Hi. Priscilla from Chennai. भालू का डर रहता है यहाँ पे, भालू काफी होते हैं। तो आप अगर यहाँ आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको डूंगरी पहुँचना है, और डूंगरी से आपको सीधे ही पेडेस्ट्रियन बना होगा, आपको उसके साथ साथ ही चलना है, और वही रास्ता आपको पहुंचा देगा लामा डुक। चल चल के थक गए हैं इसलिए मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि स्नो में थोड़ा थक जाते हैं जल्दी वॉक करते हुए। पिछले कल ही बर्फ पड़ी है यहाँ पे, तो हमारा भी प्लान बन गया डे हाइक कर ही लेते हैं। तो हम लोग भी आ गए कुछ दोस्तों के साथ। यहाँ पर ना कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग सा ही हो गया है, बिल्कुल वाइट बर्फ की चादर, और इस साइड नए नए फूल निकल रहे हैं, पेड़ों की ग्रीनरी वापस आ रही है। मैंने भी कर लिया छोटी लकड़ी खड्डी, विजय साथ में लेके चला हुआ है। विजय आई गेस ये वाला भी उठा लेना चाहिए, चल मैं उठा के लाता हूँ। बोला था ना सबकी हालत पतली हो गई है, बोतल तक निकल गया। मैं लाता हूँ मेरा फोन। ओके यार, फोन को नहीं होना चाहिए कुछ, बाकी आदमी जाता रहे आता रहे, एक ही तो सारा है। हमारे साथ है करेजियस लेडी, जो कि अपने से भारी उठा के चली है, गिर गई 4-5 बार। मैं खुद गिर गया 10 बार, इसलिए मैंने थोड़ा सा उठाया। आर यू ओके? या लेट्स गो। वो शूज में ना पूरे बर्फ घुस गए हैं और ठंडा लग रहा है। आई होप जल्दी पहुंच जाए बस वहाँ। सब थोड़ी थोड़ी लकड़ी इकट्ठा करके ले जा रहे हैं ताकि मैगी बना पाए, भूख लगी भाइयों।
सॉरी चिल्लाना नीचे जंगल में। फाइनली फाइनली पहुंच गए। गिर पड़ कर फिसल कर लकड़ी इकट्ठे करते हुए सभी लोगों ने इकट्ठे किए। पहुंच गए फाइनली हम लामाडू। तो अब हम उस घर पे जा रहे हैं, वहीं पे हम आगू चलाएंगे और मैगी बनाएंगे, 2 मिनट वाली मैगी। चलो चलते हैं। ये है लामाडू। गर्मियों वाला व्यू अलग था, सर्दियों वाला अलग है। हमेशा क्या कह सकते हैं, प्रकृति नेचर अपना अलग अलग रूप दिखाती है हर एक सीजन में। इस तंदूर भी लगा ही हुआ है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। ओह तो मैं निकल गया हूँ अपने रूम से बाहर। तो अब मैं पानी लेने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं पानी भर लेता हूँ। यहाँ से रोटी और सब्जी फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी था, फटाफट खा लिया। अब मैगी बन रही है, मैगी खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। मौसम कुछ ख़राब हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बारिश लग गई है। बस बर्फ ना पड़े जब तक हम घर ना पहुँचे। तो पानी भी भर लिया है, थोड़ी थोड़ी बर्फ लगनी स्टार्ट हो गई है। अब फटाफट मैगी बनाते खाते और भागते हैं, वरना पूरे गीले हो जाएंगे। ओए खोलो, क्या बंदे हो, बालू आया, बालू जल्दी खोलो। धुआं ही धुआं हो गया पूरे रूम में, सारे भाग रहे, क्या कर रहा पता नहीं, मेरा चेहरा भी नजर आ रहा है कि नहीं इस अंधेरे में। थोड़ी थोड़ी बर्फ स्टार्ट हो ही गई है, दिखाई दे रहा होगा आपको भी। ऑल सेट टू गो, पूरी पैकिंग कर ली है, हमारा लंच भी हो गया है। तो अब हम वापस घर की ओर जा रहे हैं। जूते बहुत ठंडे हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा सुखाने के बावजूद भी पैरों में ठंडा लग रहा बहुत ज़्यादा। काफ़ी आगे तक आ गए हैं। अब हम ब्लॉग को इतने ही रखते हैं क्योंकि रास्ता बहुत स्लिपरी है। जो भी मेरे फ़ोन है कैमरे उसको मैं बैग में डाल देता हूँ। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हाँ वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस करना ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।